हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग। इतना खूबसूरत पेंटिंग आज आपको दिखाएंगे ना कि शायद आप इससे पहले कभी देखे नहीं होंगे, और भी इतना यूजफुल है कि आप उस पेंटिंग को देखेंगे तो तुरंत अपने यहाँ बनाएंगे। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं और दिखाते हैं वो पेंटिंग। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का जो पेंटिंग है ना बहुत ही कमाल का है। आज तो मैं करके नहीं दिखाऊंगी बट बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग दिखाने वाली हूँ। ले चलते हैं पेंटिंग के तरफ। एलोरा के गुफा में भी आप लोग आए हुए हैं। चलिए अजंता और एलोरा के गुफा में आपको ले चलते हैं। कमाल की पेंटिंग है, शायद आप लोग को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आप लोग तो अभी देख लिए, चलिए बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो लाइक करके ही जाना है, बिना लाइक किए नहीं जाना है, ठीक है। चलिए बैक कैमरा से दिखाते हैं। तो मैं इसी पेंटिंग की बात कर रही थी, है ना बहुत खूबसूरत। इस तरह का पेंटिंग आप अपने बच्चों के स्टडी रूम में बना सकते हैं। यदि बच्चे छोटे छोटे हैं तो वो केवल देखकर ही सारे वर्ड्स याद कर लेंगे, तो बहुत यूजफुल है ये। एक्चुअली मेरे यहाँ स्कूल चलता है, यदि आप मेरे ब्लॉग चैनल से जुड़े हैं तो आप सबको पता ही होगा। तो ये जो क्लास है वो नर्सरी क्लास है, यानी कि इसमें नर्सरी क्लास के बच्चे बैठते हैं। तो ये पेंटिंग हम लगभग आज से 2.5 साल पहले बनाए हुए थे, जब मेरा चैनल भी स्टार्ट नहीं हुआ था। बहुत पुराना पेंटिंग है लेकिन देखिए, देखने में लग रहा है कि अभी अभी बना हुआ है, इसलिए बोले कि अजंता और एलोरा के गुफा के पेंटिंग जैसा ये है। तो वैसा तो नहीं है, वैसा तो हम नहीं बना सकते हैं, वैसे मजाक में हम बोल दिए थे, लेकिन काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है ये। लोग जब आते हैं ना बहुत तारीफ करते हैं इस पेंटिंग का, इसलिए बोल दिए। इस पेंटिंग को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा था, बहुत मेहनत किए थे हम, क्योंकि इसे सीढ़ी पर चढ़ के बनाए थे तो काफ़ी समय भी लगा था। एक पेंटिंग लगभग एक दिन में बनता था। जब छोटा होता था तो जैसे कि एप्पल बनाना था तो वो और ऑरेंज ये सब रोज़ है, तो ये छोटा छोटा जो है वो मतलब 2-3 बन जाता था। लेकिन जैसे कि लायन हो गया तो ये सब बनाने में काफ़ी समय लगता था, लेकिन फिर भी पूरा जेड तक बनाए हुए हैं, ए से जेड तक पूरा बनाए हुए हैं। और ये देखिए क्लास है, ये मेरे स्कूल का नर्सरी क्लास है, इसलिए पेंटिंग इसमें बनाया गया है। छोटे छोटे बच्चे इसमें बैठते हैं, तो इस तरह का पूरा क्लास है। इस तरह का क्लास है और मैं यहाँ रोज़ ट्यूशन पढ़ाती हूँ। अच्छा, कल मैं ना, कल मंडे है तो कल मैं दिखाऊंगी जो बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं, उनका वीडियो बनाऊंगी मैं कल। तो यदि अभी तक आप मेरे ब्लॉग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे उस चैनल को। मेरे ब्लॉग चैनल का नाम है ज्ञानलोक ब्यूटी ब्लॉग। इस तरह का ये क्लास है, कल आपको देखने को मिलेगा। ये खाली जो बेंच दिखाई दे रहा है ना, इस यहाँ बच्चे बैठे हुए मिलेंगे आपको कल, और मिलवाएंगे आपको अपने छोटे छोटे बच्चों से। तो कैसा लगा आप सबको मेरा पेंटिंग और ये क्लास कैसा लगा? उम्मीद है आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा। बहुत गर्मी है, फैन भी इसमें चल रहा है, ये देखिए फैन चल रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी गर्मी लग रही है अभी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय।